नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण त्रण में विषय गणित में प्रकरण त्रण में आज आप खूटता स्थान पूर्ण करो बराबर अँ सरवाड़ा दाखला आपेला है अने त्या खूटता स्थान अपने पूर्ण करवाना छे जेथी करीने जवाब साचो आवो जोईए बराबर छे। अहीं आपणे पहला दाखलानी शुरुआत करिए तो अहीं एकमथी आपणे चालू करवानुं छे, जेम सरवाळा करता होय ए रीते ज करवानुं छे। जीरो अहीं जीरो छे जवाब अने अहीं जीरो छे एटले अहीं शुं आवशे ऑलरेडी जीरो। ओके जीरो 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 थई गया। त्रण ने एक अहीं सीधू आपेलुं छे चार, अहीं जवाब में पाँच छे उपर चार छे तो चार में केटला उमेरे तो पाँच आवे एक थई गया। जो जीरो 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 त्रण ने एक चार, चार ने एक पाँच बराबर छे, थई गयुं कम्प्लीट। हवे बीजो दाखलो जोईए। अहीं जवाब आपेलो छे नौ, पहला जवाब जोई लो नौ आपेलो छे, अहीं पाँच आपेलो तो पाँच में केटला उमेरीए तो नौ थाय तो पाँच में तमने मैं कह्युं के मौखिक ना आवडतो तमे गणतरी करी शको छो, पाँच पछी छ सात आठ नौ ए रीते बी करी शको छो। ओके अहीं सात आपेला छे, अहीं पाँच छे तो पाँच में केटला उमेरवाना, आपणे बे उमेरशुं एटले थई जशे सात बराबर छे ने। सात आठ नौ ए डायरेक्ट मूकवाना छे। तीजो दाखलो जोईए तो तीजा दाखला में सात अने चार, सात पछी आठ नौ दस अग्यार, अग्यार नो आवशे एक, अहीं वधी पड़ी एक। हवे ऑलरेडी अहीं ध्यान आपो तमे कि अहीं नीचे तो एक जवाब छे अने आ एक ऊपर छे तो अहीं शुं आवशे, तो अहीं शुं आवशे जीरो, सीधो ऊपर छे एक छे क्या उतरी जशे नीचे उतरी जशे बराबर छे। अहीं आठ आपेला छे ने एक में केटला उमेरवाना तो सात उमेरशुं तो जवाब आई जशे आपणो आठ सो अग्यार। आगळ जोईए तो हवे अहीं चौथा दाखला में एक आपेलो छे बराबर, अहीं थोड़े विचारवा जेवी वस्तु छे, अहीं बे छे के तो बे करता तो एक नाना कहेवाय ने, तो अहीं कई संख्या एवी मूकीए के जेथी करीने अहीं एक आवे, तो मारा अंदाज प्रमाणे अहीं आपणे नौ मूकीए तो नौ दस, हाँ नौ, नौ ने बे अग्यार थाय तो अग्यार नो एक ने वधी पड़ी एक। ओके अहीं तमारे त्रण आया पाछा, हवे शुं करवुं पड़शे, छ ने एक सात तो थई गया एटले बीजा छ मूकीए तो छ ने छ बार, बार ने एक तेर, तेर नो त्रण वधी पड़ी एक, पाँच छ ने एक सात। फरी तमने कहूँ आ दाखलो थोड़ोक टफ छे, अहीं ऑलरेडी बे ज छे अने जवाब आपेलो छे एक, हवे एक बे करता तो एक नानो होय एटले आपणे उपर जवुं पड़े बे करता ऊपर ज, एटले अहीं अमे नौ मूक्या, नौ दस अग्यार नो एक वधी पड़ी एक। हवे छ ने एक सात, अहीं जवाब त्रण आवे छे एटले तेर लावानो छे, तो छ ने छ बार ने एक तेर थई गयो, अहीं तेर ज लावा पड़े ने आपणे, तो छ मूक्या अमे तो छ ने छ बार ने एक तेर नो त्रण वधी पड़ी एक अहीं आवी गयो ऊपर। आ तो सीधी गणतरी छे, पाँच छ ने एक सात बराबर छे। આગળ પાંચમો દાખલો જોઈએ તો સિમ્પલ દાખલો છે આ તો, જીરો છ અને અહીંયા કેટલા આવશે છ, કારણ કે જીરો સાથે સરવાળોમાં જે સંખ્યા હોય એટલા જ મૂકવાના હોય। અહીંયા ચાર છે, અહીંયા ચાર છે તો અહીંયા પણ જીરો જ મૂકી દેવાનો, સીધા ચાર નીચે ઉતરી ગયા। હવે અહીંયા થોડીક પ્રોબ્લેમ છે, અહીંયા નવ જવાબ આપેલો છે ઓલરેડી તમારે અને તમારી પાસે છે ચાર, તો ચારમાં કેટલા ઉમેરે તો નવ જવાબ આવે, તો ચારમાં પાંચ શું ઉમેરશું તો પાંચ ને ચાર નવ બરાબર છે, આવી ગયો। છઠ્ઠો દાખલો જોઈએ તો છઠ્ઠા દાખલામાં આપણે અહીંયા જીરો જ મૂકીશું બરાબર છે, એટલે સીધો જીરો જ આવી જાય નીચે। નવ ને એક દસની શૂન્ય વધી પડી એક, અહીંયા નવ લાવવાના છે, સાત ને એક આઠ તો થઈ ગયા તો ઉમેરવાનો એક, સાત આઠ ને એક નવ, ઓકે ખબર પડી ગઈ તમને। તો એવી રીતે તમને બીજા હોમવર્કમાં હું આ ફોટો પણ મોકલું છું અને બીજા આ બે દાખલા અને બીજા બે દાખલા તમારી નોટમાં કરવાના છે। અસ્તુ।